समाज में मारपीट हत्या के मामले के जितने भी मामले हो रहे हैं, इसका मूल कारण अगर आप ढूंढेंगे तो जमीनी विवाद ही मिलेगा, और जमीनी विवाद के मूल में जाएंगे तो राजस्व कर्मचारी की भूमिका अहम मिलेगी। पता चलेगा कि समाज में फैले अधिकांश विवाद का जड़ राजस्व कर्मचारी ही हैं। किंतु आज जिस मामले को आपको हम बताने जा रहे हैं, वह आपको चौंका देगा कि राजस्व कर्मचारी किस हद तक गिर चुके हैं और दूसरे की जमीन हड़पने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इन दो व्यक्ति को देखिए, एक का नाम है ज्ञान कुमार जो खुद राजस्व कर्मचारी हैं, और महिला सोनिका पहुजा उनकी पत्नी हैं। दोनों न्याय के लिए माइक लगाकर जोर जोर से शोर मचा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस और समाज ने इन लोगों के साथ बहुत अन्याय किया है। किंतु जब आप मामले को सही से जानेंगे तो आपको भी हैरत होगी कि क्या कोई व्यक्ति भाई की जमीन हड़पने के लिए इतना गिर सकता है। दरअसल ज्ञान कुमार के एक भाई की मृत्यु हो गई और उनके तीन छोटे छोटे बच्चे हैं। ज्ञान कुमार ने अपने ही भाई के तीनों बच्चों और विधवा भाभी को जमीन से बेदखल कर दिया है और एन केन प्रकरण जमीन के कागजात अपने नाम करवा लिया है। घर की जमीन पर भी हक जमा कर नाबालिग भतीजी विधवा भाभी को पूरी तरह से बेदखल करना चाहता है। इसके लिए इन्हें पुलिस और मीडिया की मदद चाहिए, क्योंकि इनके पास जमीन के कागजात हैं। समाज में हुई किसी फैसले को ये नहीं मानेंगे, नहीं पुलिस की बात मानेंगे। पुलिस को सब पता है कि ज्ञान कुमार ने अपनी विधवा भाभी, नाबालिग भतीजे और भतीजी के साथ किस तरह के अन्याय किया है, जिसका कारण पुलिस और न्यायालय के आदेश की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। इससे नाराज दोनों पति पत्नी ने थाने में तांडव मचाना शुरू कर दिया और माइक लगाकर जोर जोर से थाना प्रभारी को गाली बकना प्रारंभ कर दिया। साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो गई, मजबूरन पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। आप राजस्व कर्मचारी ज्ञान कुमार की भतीजी का भी यह बयान सुनिए और फिर राजस्व कर्मचारी ज्ञान कुमार और उनकी पत्नी सोनिका पहुजा का तांडव देखने के बाद थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह का भी बयान सुनिए। आपको सब समझ में आ जाएगा कि राजस्व कर्मचारी और उनकी पत्नी ने अपना अस्तर कितना हद तक गिरा दिया है। रसीद काटने में, दाखिल खारिज करने में दूसरे को परेशान करने वाले ऐसे राजस्व कर्मचारी की बात जब पुलिस ने उसी के अनुसार नहीं सुनी तो इन्हें बहुत बुरा लग गया। किंतु आप तो जानते ही होंगे कि आपके इलाके के राजस्व कर्मचारी का हाल क्या है और वह किस तरह से समाज में विवादों को जन्म दे रहा है, और अब लोगों की संवेदना भी इन्हें चाहिए। मेरा नाम विनीता कुमारी है। मेरे पापा के डेथ के बाद ये लोग, मेरे जो चाचा हैं ज्ञान कुमार और उनकी वाइफ, बहुत हमको तंग करती है। जी मेरे जमीन है, दादा जी मेरे पापा को लिखे थे, जबरन ये हम लोग से हड़प लिए हैं और बार बार धमकी देते रहते हैं कि जो करना है कर लो, जमीन पर मकान बना के रहेंगे।
हम लोग का कुछ नहीं चलता है। हम लोग जब भी आते हैं मना करने, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। हम इस मामला में कितना बार थाना में एप्लीकेशन दे चुके हैं पर वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। आज थाना गई थी ना? जी आज भी हम थाना गए थे। अब तक पुलिस लोग कहाँ कोई आए हैं? अब तक आवेदन लिया कि नहीं लिया? जी आवेदन लिए पर अब तक कोई कार्रवाई के लिए कोई नहीं आए। काम चल ही रहा है, देखिए कोई रुकवाने के लिए भी नहीं आ रहे। हम थक गए हैं जाते जाते, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और पुलिस लोग जो भी हैं उनका एक तरफा बयान है, मेरे चाचा के सपोर्ट में ही हमेशा बयान देते। तो चाचा को तुम पूछते नहीं हो कि तुम्हारे पापा का जो हिस्सा होगा उसमें उसको छोड़ देने के लिए? जी हम जब भी बोलने जाते हैं मारपीट करने लगते हैं, बोलते हैं सब कुछ मेरा, सब कुछ मैं ले लूँगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं, भागो यहाँ से। तो तुम लोग अभी कहाँ रहते हो? जी अभी हम अपना घर में रहते थे, उसके बाद हम फुआ घर में रह रहे हैं। घर से भी भगा दिया है? जी हाँ, यही जमीन था, यहीं पे सोचे घर बना के रहेंगे। देखिए ना, बनाने भी नहीं दे रहे हम लोग को घर। तो अभी तुम्हारे साथ में कौन कौन है? जी अभी हम तो अकेले रह रहे हैं, भाई 8 साल का ही है छोटा, बहन भी हमसे छोटी है। मम्मी नानी के घर पे रह रही है। तो तुमको यहाँ पूरी तरह से बेदखल कर दिया है? जी हाँ पूरी तरह से बेदखल कर दिया है लोग। तो बेदखल करने वाला वो तुम्हारा वही चाचा ही है? मेरे चाचा ज्ञान कुमार हैं, रुपौली में कर्मचारी भी हैं। वो अपना कर्मचारी का ध्वस हमेशा दिखाते रहते हैं, बोलते हैं कि मैं कर्मचारी हूँ, जो करना है कर लो। और उनकी मेरी जो चाची है वो भी बार बार अपना पावर इस्तेमाल करती है, बोलती है जो करना है कर लो, मैं पॉलिटिक्स में आ गई हूँ अब, मैं तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। वो पॉलिटिक्स में है? वो जी वो गई है पॉलिटिक्स में, किसी पार्टी में है? हाँ किसी पार्टी में है। जब मैं थानाध्यक्ष के रूप में योगदान किया था उसके एक आध माह के बाद से ही भूमि विवाद का यह मामला है। श्री ज्ञान कुमार और उनकी पत्नी सोनिका आहूजा हैं और उनकी भतीजी विनीता कुमारी, स्वर्गीय प्रेम कुमार और उनकी बहन मेरे दूसरे पक्ष हो गए, इनके बीच में जमीन संबंधी विवाद चल रहा है कि श्री ज्ञान कुमार के बगल में ही विनीता कुमारी का घर बना हुआ था, उसकी मिट्टी ये नीचे से खोद रहे थे ज्ञान कुमार ताकि कि घर गिर जाए, वहीं से विवाद चालू होने लगा। विनीता कुमारी का इनसे घबरा करके वो अपना मकान दिनेश कुमार मंडल साकुल सुपौल को बेच दिए। वो लोग भी जब मकान में मिट्टी नीचे होते हुए देख लिए तो वो अपना मिट्टी उट्टी भरने लगे, जिसको लेकर के इन लोगों के बीच में विवाद बढ़ते चला गया। और इधर ये भी काम कर रहे थे तो ये पूरा जमीन जब घेरने लगे तो वो लोग भी अपोज करना स्टार्ट की। इसी में दोनों तरफ से 144 दो 144 कोर्ट में दिया गया है अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ, और वहाँ भी जो है नोटिस में इनको शामिला करा दिया गया है। और उसके बाद भी ये उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए मतलब हल्का छोटा मोटा विवाद जब भी हो रहा था तो रात में दिन में परेशान कर रहे थे, पूरा दबाव बना रहे थे और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अब उसके बाद से मुंह पर गाली गलौज, मोबाइल पर भी गाली गलौज करना प्रारंभ कर दिए हैं। आज इनकी इतनी हो गई कि इन्होंने अनर्गल रूप से जो कि वरीय पदाधिकारी से भी मिलकर के उनके संज्ञान में डाला जा सकता था, ये उसके विरोध में सड़क जाम कर दिए और सड़क जाम कर करके विरोध कर रहे थे। आप लोगों को भी यह पता है कि हमको जो है खुलेआम जो ज्ञान कुमार रुपौली ब्लॉक में लोक सेवक हैं वहाँ से आए यहाँ, और यहाँ पर जब मैं मीटिंग में था तो मुझे पूरा गाली गलौज दिया फोन पर, जिसकी आपको सूचना भी साझा कर दी गई। अभी इन लोगों के द्वारा सड़क जाम किया गया है, इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई आगे की जा रही है। बहरहाल सड़क पर तांडव मचाने, पुलिस को खुलेआम गाली गलौज करने के आरोप में इन दोनों पति पत्नी को केहाट थाना पुलिस ने जेल भेज दिया है।